अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? जेके एमबीपीएस जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम कक्षा पाँच में हम पढ़ेंगे विषय हिंदी, और हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? नन्हा मुन्ना राई हूँ, और उसमें हमें स्वाध्यायपोथी कार्य करना है। हमने 1 से 7 प्रश्न का लेखन कार्य स्वाध्यायपोथी में कर लिया, सही है। और आज हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8 से। तो बच्चों, चलो स्वाध्यायपोथी में आप लोग मेरे साथ अच्छे से लिखते जाइए। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीस, बराबर। यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, अहीं लीला लीला खेतरो लहरासे। मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। हूँ दुनिया नी आँखोंनो तारा बनीस। मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांति नी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखवीस। यह हुआ हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 9 देखते हैं, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में ढूंढकर लिखिए। मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। तो इसके आधार पर हमें काव्य में कौन सी पंक्ति पढ़िए बच्चों? के रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, बराबर। तो क्या आएगा उसका भावार्थ? यही है कि देशभक्ति के रास्ते पर जब चलना है तो वो डर डर कर नहीं चलेगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, बराबर। मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, बराबर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। तो राही को क्या कहते हैं? मुसाफिर और पंथी, यानी कि यह पर्यायवाची शब्द भी हम कह सकते हैं इसे। सिपाही को हम क्या कह सकते हैं? फौजी भी कह सकते हैं और सैनिक भी कह सकते हैं। धरती, तो धरती पे क्या कहेंगे? पृथ्वी और धरा। रास्ता, पंथ और राह। मंजिल, लक्ष्य और ध्येय। प्रश्न नंबर 11, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहे हे, मैं टिकट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर हे दो दिए हैं, लेकिन एक हे पर यहाँ पर अनुस्वार मतलब एक बिंदी दी है और यहाँ पर नहीं दिए, तो हमें यह हे लिखना है। इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? रबर। हम पढ़ते हैं। एक बार पढ़ जाते हैं कि लड़के खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? इन किताब में आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 12। सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं? हमें सोचकर लिखना है कि किसान देश की सेवा किस तरह से करते हैं, शिक्षक, खिलाड़ी और कलाकार। तो कड़ी मेहनत के द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, बराबर। अनाज पैदा करने में हमें नहीं पता, क्योंकि किसान अनाज पैदा करता है और उसे कितनी मेहनत लगती है तब जाके वो अनाज पैदा करता है। तो कड़ी मेहनत करके, बहुत सारा अनाज पैदा करके, कुदरती खाद्य का उपयोग बढ़ाकर और कृत्रिम खाद्य की दवाइयों का उपयोग कम कर, बराबर। यानी कि जिस दवाइयों से नुकसान होता है उस दवाई का उपयोग कम करना और खुद की मेहनत से अच्छा से अच्छा अनाज उगाना, यही किसान क्या करता है? देश की सेवा करता है। शिक्षक किस तरह से करते हैं? तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, यानी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाकर, बच्चे में जीवन कौशल्य जीवन मूल्य स्थापित कर, ऊँचे आदर्शों का आचरण करके। खिलाड़ी क्या करते हैं? तो कि खेल दिली रखकर, धोखाबाजी छोड़कर और सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर, बराबर। आजीवन कला की साधना कर क्या करते हैं? कलाकार के आजीवन कला का साधना करते हैं। केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, केवल
अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों की उजागर करके कलाकार देश की सेवा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने प्रश्न नंबर 8 से 12 तक का स्वाध्यायपोथी कार्य किया। आप लोगों को अच्छे से 1 से 12 प्रश्न स्वाध्यायपोथी में अच्छे से लिखने हैं, कल के 1 से 7 प्रश्न और आज के 8 से 12। थैंक यू।